थोड़ा ठंडा होता है, इसलिए हम वहाँ से लेके आए गर्म पानी करने के लिए। उधर उधर ही ना पूरा खोद दिया। सो गाइस यहाँ पे हमने ये अमरूद तोड़े, क्यों गिरना नहीं था ये, बस आराम से बस। तो गाइस वहाँ पे इतना बड़ा अमरूद लगा हुआ है, देखो कहाँ गया, ये रहा वो ऊपर है इसी में, हाँ इस वाले में, इस में। नहीं उस वाले डेयरी में, हाँ वो दूर है ना इस वाले पे, हाँ एक छोटा एक बड़ा, हाँ हाँ ये रहा हाँ इसमें ये रहा। नीचे देखो देखो सबसे, ये नींबू है, मुझे लगा अमरूद है। हाय यार नींबू है, नींबू दूर से ऐसे लग रहा था। अच्छा यहाँ भी नींबू हो रखे हैं, अबे नींबू के अंदर अमरूद क्यों रखे थे सारे, यहाँ छोटे छोटे हैं, ऊपर है ऊपर लगे हुए हैं और छोटे छोटे हैं। कहाँ हो रखा है, वो डंडा चाहिए ना उसके लिए, ऊपर ही हो रखे काफी सारे। So guys, यहाँ पे हमने ये अमरूद तोड़े, ये नहीं मानता अब जानता नहीं ना अभी, तो फिर भी यहाँ पे आ रखा अमरूद तोड़ने के लिए। So guys, तो ये अमरूद मिल गए, अभी और भी अमरूद लगे हुए हैं, देखो कितने अमरूद लगे हुए हैं। हाँ कांटे के पेड़ हो गए, ये मैं तोड़ूंगा आज, वो माल्टा जो गोल गोल सा वो अच्छा है काफी बड़ा हो तो। हाँ यहाँ पर लगी तो हुए बहुत, हाँ उस टाइम ना, अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है चलो। नीचे उसका ही पेड़ है ना नाशपाती का, अच्छा अनार का भी है शायद, नीचे है वो नीचे वो दाने में। चलो 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 कहा जाता, तीन अमरूद तोड़ दिए हमने फाइनली। हाँ पूरा खोद दिया, रवि रवि ये रहा ऊपर ढूंढ रहा हूँ, तो ये देखो अपा अमरूद ताई, ये वाला कौन सा है, ये कौन सा है, पालक, ये पालक है पूरे, और वो है मीट, वो लहसुन, हाँ वो लहसुन है, वो लाई है, अच्छा वो सब राई है, वो बैगन के पेड़ है, कहाँ है, अच्छा वहाँ पे किनारे में, किनारे पे लगा रखे हैं, हाँ। नीचे मीट, बैगन तो हो गए हैं उसमें छोटे, है ना, हाँ हो रखे हैं वो, तो बाद में छोटे हो, कच्चे बैंगन सब्जी बहुत अच्छी बनती है, कच्चे बैंगन की, कच्चा बैंगन होता है ना हरा हरा सा, उसकी सब्जी बहुत अच्छी बनती है, मतलब मैं तो वही खाता हूँ, मैं ये ऐसे मेरा नहीं खाता, उसमें कीड़े होते हैं, फिर मैं इसलिए नहीं खाता हूँ, मैं तो इतना बड़ा बैंगन लेके आया था, इतना बड़ा बैंगन है, साफ सुथरा बैंगन है सब, नहीं हाँ हरा हरा, वो तो मेरे पास भी था यहाँ पहले, था यहाँ पे, जब ऊपर से बैंड टूटा ना, हाँ नीचे था पेड़, सब बाहर के ले गया, ओहो इतना बड़ा मोटा होता था, इतना लंबा होता था बैंगन, हाँ काम करने के लिए, एक ही में इतनी सब्जी हो जाती है, ये क्या तोरी है, ये तोरी है, अरे भाई इतनी तोरी हो रखी है, है तोरी, ये रही तोरी, वो लौकी है, पिजरे पिजरे मेरे पहाड़, हैं लौकी वहां क्यों रख दी, वो बीज के लिए रखा है, वैसे अच्छा खराब हो गई क्या, मतलब हाँ हाँ अच्छा पक गया, अच्छा
अरे आजा ले एक अमरूद लो ना क्यों तभी देख अमरूद लाए देख ये देख अमरूद लेके आए ये देख तोड़ के लाए तू भी आया था ना अमरूद तोड़ने के लिए हाँ चल आ जा भाग आएगा भाग जल्दी जल्दी निकल जल्दी आ जा ये देखो क्या 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 लाया तोड़ के हैं तो कच्चे तो खाते हैं अमरूद खाते हैं ना पहले ये एक तफीका है एक तफीका चलो बैठो ऊपर अरे नहीं नहीं सो गाइस यहाँ पे थोड़ा ठंडा होता है इसलिए हम वहाँ से लेके आए गर्म पानी करने के लिए तो अभी गर्म पानी करेंगे ठंडा पानी बहुत है तो इसलिए हम अभी ये लेके आए तो उसमें गर्म पानी करेंगे हम इसको यहीं पर रख देंगे ना यहीं काम आएगा वहाँ तो है ही हमारे पास है ना यहाँ टफी भी गर्म गर्म पानी पिएगा टफी भी गर्म गर्म पानी पिएगा यहाँ पे हाँ टफी भी गर्म गर्म पानी पिएगा क्यों टफी पिएगा ना पिएगा तू टफी भी आया वहाँ पे सो अभी हम ऊपर आए थे अमरूद तोड़ के और अमरूद हमने रख दिए हैं तो अभी फिलहाल अभी मस्त धूप आ रखी है अभी मैं यहाँ पर धूप सेकने आ रखा हूँ क्योंकि हमारे वहाँ धूप थोड़ी कम आती है यहाँ पे तो धूप बहुत ज़्यादा कहीं भी जाओ किसी भी जगह धूप ही धूप छाया मेरे को ठंड लगती है और धूप मेरे को गर्मी लगती है तो अभी का मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है उस तरफ काफ़ी धुंध है अभी और मेरे पीछे अभी धूप पड़ रही है और इस तरफ का व्यू एकदम साफ है तो आज मौसम पूरा साफ है आज कहीं भी क्लाउड नहीं दिख रहे तो फिलहाल आज मैंने काफ़ी सारे अमरूद तोड़े और अमरूद तोड़ के मैं मुझे कच्चे अमरूद बहुत पसंद है मतलब काट के उसमें काला नमक लगा के ना अलग ही मज़ा आता है तो मैंने आज अमरूद तोड़े और काफ़ी सारे वहाँ पेड़ भी लगे हुए हैं माल्टा के माल्टा मतलब एक तरह का नींबू होता है काफ़ी बड़ा होता है उसको हम मतलब जैसे कहते हैं चीनी डालते हैं फिर उसमें भांग डालते हैं फिर उसको धूप में बैठ के खाते हैं तो ये है पहाड़ी का एक तरीके से बोलो स्नैक्स तो हम यहाँ पे ये करते हैं तो बट अभी मेरे पास काफ़ी नहीं पड़े हुए हैं तो हम वो करेंगे तो मैं बताऊँगा कैसे उसको बनाते हैं कैसे वो करते हैं तो उसका ब्लॉग आएगा अगर खाने का मन हुआ तो क्योंकि वो थोड़ा खट्टा भी होता है तो उसमें थोड़ा सा चीनी डाल दो ना तो खट्टा मीठा ज़्यादा तो इसलिए वो बनाएंगे अभी हम तो फिलहाल मैं अपने अभी नीचे से काफ़ी ऊपर आ रखा हूँ तो यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा है हमारे वहाँ पर भी काफ़ी काम चल रहा है तो मैं गाड़ी लेके ऊपर ही आ गया रात को बहुत ठंडा है यहाँ पर रात को तो यहाँ पे मतलब बाहर निकलना कितना लगता है छाती के अंदर से हवा निकल रही है एकदम ठंडी हवा एकदम चिल्ड तो इसलिए बाहर निकल सकते क्योंकि 6 बजे यहाँ पे सब लोग अंदर निकल जाते हैं तो अंधेरा भी जाता है तो इसलिए मैं यहाँ पे अराउंड 6:30 के आसपास में नीचे आता हूँ अपनी यहाँ गाड़ी खड़ी करके नीचे पहुँच जाता हूँ तो फिलहाल अभी यहाँ पे व्यू देखो यहाँ मैंने गाड़ी खड़ी कर दी है और ये व्यू है चेक करो तो ये रोड है अभी रोड बन चुकी थी तो यहाँ से काफ़ी इजी होता है हमें आना अभी काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ से नीचे आती हैं अपने गांव की तरफ और यहीं से शॉर्टकट मारती हैं आप देख रहे होंगे रोड हर जगह आ गई है देख रहे हो हर जगह रोड है मतलब इतना इजी कर दिया है उन्होंने गवर्नमेंट ने कि आपको आना जाना आराम से मैं हम यहाँ से आते थे यहाँ से ऐसे चलते 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 फिर नीचे जाते थे तो वो अलग वो भी एक अलग एक्सपीरियंस था आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको एक भी ऐसा पेड़ नहीं दिख रहा होगा जो अलग होगा ठीक है सारे पेड़ ये पहाड़ के जितने पेड़ है ना सारे सेम है पेड़ सारे सेम बस झाड़ियों में आपको थोड़ा बहुत अलग दिखाई देगा बट पेड़ जितने भी हैं यहाँ पे सब आपको चीड़ के पेड़ दिखाई देंगे तो इसको हम बोलेंगे ड्राई फ्रूट्स ये सारे ड्राई फ्रूट्स हैं तो वहाँ पर है ऊपर मम्मी का घर यहाँ से हम जाते हैं इस एरिया से और वो एरिया उस एरिया पे वहाँ पे कबड़ी देवी जो मम्मी का गांव है वो पड़ता है तो आप रोड देख रहे होंगे ना ये यहाँ पे रोड दिख रही है ये रोड यही जो रोड है यही जाती है वहाँ पे तो वहाँ से होते हुए हम सीधा कबड़ी देवी पहुँचते हैं मम्मी का घर है वहाँ पे और फिलहाल अभी हम आ रखे हैं अपने ऊपर धूप सेक रहे हैं तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए और मेरा अभी काफ़ी सारी वीडियो डाल रहा हूँ मैं डे बेसिस पे तो 1 बजे या 1:30 बजे वीडियो अपलोड होती है तो काफ़ी टाइम होता है कि नेट की स्पीड कम आती है
कुछ चक्कर में मैं वीडियोस में मैं मतलब टाइम पिन डाल पाता, तो आधा घंटा आगे पीछे हो जाता है, तो मैं वीडियोस वैसे मैं 1 बजे के बाद डाल देता हूँ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो और वीडियो फैला दो उत्तराखंड के भाइयों में और मेरी बहनों में। तो ये है हमारा उत्तराखंड, जय देवभूमि जय उत्तराखंड। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।